मुकाबला करने के लिए मित्र मल्होत्रा जी जो जम्मू मंत्रियों के शहर से हैं, बिल्कुल यहाँ अच्छे शरीर से जीत पाए। और मैं समझता हूँ इनके माध्यम से ये जो पीछे सरकार यहाँ पे रही, पत्थरबाजों के समर्थक पूरे बिहार में यहाँ पे आए। आपका ज्यादा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के कर्पट नेता विक्रम मल्होत्रा जी, जिन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा काम, और उस संगठन के साथ हमारी लड़ाई है जिनका हमें सौदेबाजी करी, पीडीपी के साथ सरकार बनाई और वो सरकार तब तक चलाई जब तक कि उनके मफाद में था, और जो भी फैसले उस दौरान महबूबा सरकार ने लिए इन्होंने उसके आगे नतमस्तक होकर उन सबको माना, आवाज़ नहीं उठाई। जो जम्मू विरोधी फैसले भी थे उनके आगे भी ये झुके रहे, और उसके बाद जहां तक नौकरियों में भेदभाव हुआ वो भी हमने देखा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ हुआ वो भी हमने देखा, और जो बॉर्डर की हालात बनी जिस तरह से लोगों को पलायन करना पड़ा बार बार बॉर्डर से निकल के, और आज जिस तरह से इन्होंने उनके पाँव के नीचे से सरकार खींच ली क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो इसका नुकसान ना हो इनको, तो इसलिए हम आज आप सबके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है पंचायत इलेक्शन के लिए, लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और हम कोई भी हरफा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम लोगों के सामने इनकी असलियत ला सकें। और आज आप जानते भी हैं कि जो असलियत इनकी जो सच्चाई है वो आम आदमी के सामने आ चुकी है।